Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 10,14,373 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 23,118 हो गईं। ऑन्टेरियो में कोरोना की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा, दो रोज में 6,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो गए। डॉक्टर होमरटीन को वैक्सीन टास्क फोर्स का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में लॉकडाउन का निफाज जारी है। तीन रीजन के महकमा सेहत के हुकाम ने स्टे एट होम ऑर्डर नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स के ग्रुप की जानिब से सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर को खत लिख दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी इबादतगाह के दरवाजे इंसानियत की खिदमत के लिए खुले हैं। ऑन्टेरियो में सिख कम्युनिटी का वजीर सेहत को खत, हुकूमत को मदद की पेशकश की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 28,74,000 से तजावुज़ कर गई। यकम रमज़ान से उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान, कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। मारूफ अदाकारा सबा कमर की नई म्यूज़िक वीडियो चिंगारियां रिलीज़ कर दी गई। कहती हैं कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में साथ देने वालों की मशहूर हूँ। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 48 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। कैटरीना कैफ के फॉलोअर्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 47.9 मिलियन से ज़्यादा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,17,364 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 10,14,373 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 23,118 हो गईं, जबकि 9,32,582 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,64,537 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,450 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,17,364 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,697 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,53,194 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,998 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई, जहाँ 1,04,920 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,486 है। ऑन्टेरियो सूबे में पीर के रोज दो दिन के अरसे में तकरीबन 6,000 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऑन्टेरियो में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन टास्क फोर्स का सरबरा डॉक्टर होमरटेन को मुकर्रर कर दिया गया है। ऑन्टेरियो हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ऑन्टेरियो में कोरोना के खिलाफ कायम टास्क फोर्स की सरबराही अब डॉक्टर होमरटेन के हवाले कर दी गई है। ऐलामिया के मुताबिक ये तब्दीली जनरल रिक हिलेर की रिटायरमेंट की वजह से की गई है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत इस माह खत्म हो रही है। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना के दूसरे फेज में ट्रामा सर्जन डॉक्टर होमरटेन वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर इंतजाम की सरबराही करेंगे। इससे कबल डॉक्टर होमर ऑरेंग एयर एम्बुलेंस सर्विस के इंचार्ज भी रह चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में पीर के रोज दो दिन के अरसे में तकरीबन 6,000 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए और टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने ऐलान किया है कि वो ज्यादा खतरे वाली जगहों पर वैक्सीन लगवाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ऑन्टेरियो की हुकूमत ने कहा है कि वो ओटावा के जरिए चलाए जाने वाले पैटसिक लियो प्रोग्राम की नकल तैयार नहीं करेगी, लेकिन जॉन टॉरी ने कहा है कि बढ़ते हुए केस की गिनती और उसके नतीजे में सूबे के अस्पतालों पर दबाव से ये जाहिर होता है कि नुक्ता नजर पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के तीन रीजन टोरंटो, ओटावा और पील के सेहत आमा हुकाम ने सूबाई हुकूमत से स्टे एट होम ऑर्डर को जारी रखने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के तीन रीजन्स
ٹورنٹو، اوٹاوا اور پیل کے صحت عامہ حکام فورڈ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جنوری میں وبا کی دوسری لہر کے عروج کے دوران متعارف کرایا گیا اسٹے ایٹ ہوم آرڈر صوبے بھر میں جاری کرے۔ ٹورنٹو، پیل اور اوٹاوا کے صحت کے میڈیکل آفیسرز نے ہفتے کے آخر میں چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز کو ایک مشترکہ خط ارسال کیا، جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ کورونا کیسز کے معاملات میں اضافے اور اسپتال میں داخل ہونے کی شرح کو دیکھتے ہوئے گھر پر رہنے کا حکم برقرار رکھنے پر غور کریں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہنگامی آرڈر کے ذریعے صوبے کی طرف سے جاری ہونے والے گھر پر قیام کا حکم ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر بڑے پیمانے پر بیماری اور اموات اور ناقابل تلافی دباؤ کو روکا یا اسے کم کیا جا سکے۔ کرونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے دوسرے ممالک میں سخت لاک ڈاؤن مؤثر ثابت ہوئے ہیں، جبکہ ویکسین کی مہم کرونا منتقلی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم صوبائی حکام نے اس مشورے کی مخالفت کی ہے، اور گزشتہ ہفتے وزیر صحت کرسچن ایلٹ نے کہا تھا کہ حکومت لوگوں کو گھر رہنے کا حکم نہیں دے گی، کیونکہ اس کا لوگوں پر بہت خراب اثر پڑا تھا۔ موسم بہتر ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کو باہر کی کھلی فضا سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بجائے صوبے نے صحت کے تمام 34 یونٹس کو پابندیوں کے تحت لانے کے لیے ایمرجنسی بریک جاری کیا۔ کینیڈین صوبے انٹاریو میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کو مدد کی پیشکش کر دی گئی ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کو مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ گردوارا گرو نانک مشن سینٹر کی جانب سے اونٹیریو کی وزیر صحت کو لکھے گئے خط میں ویکسینیشن سمیت اہم امور میں مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ گردوارا گرو نانک مشن سینٹر کے بلکرنجیت سنگھ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندوں نے ویکسین کے مسئلے پر ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کو خط لکھا ہے۔ ہمارا گردوارا تمام مذاہب کے لوگوں اور حکومت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وڈ لائک ٹو اسٹیٹ دیٹ ویریس فیتھ گروپ سچ ایز ہندو اینڈ مسلم ہیو اپروچڈ آور مینجمنٹ فار کووڈ 19 ویکسین۔ ٹو ایڈریس دس ایشو وی ہیو ریٹن اے لیٹر ٹو ہانریبل کرسٹین ایلیٹ منسٹر آف ہیلتھ انٹیریو کینیڈا۔ ایز اے گردوارا وی آر ولنگ ٹو اکاموڈیٹ ریلیجیس ورکرس from any faith can use our facility if the government of Ontario approves our facilities. We are willing to offer this service 24 hours, 7 days a week. And we will be providing transportation free of charge to every religious priest in Ontario. ہندو فارم کینیڈا کے راویندہ موری کا کہنا تھا کہ اس مشکل وقت میں ہماری جانب سے انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم سکھ کمیونٹی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ ہندو فارم کینیڈا آلسو آفرز ویکسین فیسیلیٹیشن سروسز ٹو ریلیجیس ورکرز آف آل فیتھز۔ ہندو فارم کینیڈا ہیز آلریڈی آفرڈ ٹرانسپورٹیشن سروسز ٹو اینڈ فرام ویکسینیشن سینٹر۔ We have also set up our food bank services to shelters and homeless in these difficult times. I appreciate and endorse Gurdwara Guru Nanak Mission Center offer to Ontario Health Minister Christian Elliott in terms of facilitating coronavirus vaccination drive to religious workers. I thank the Honorable President of Gurdwara Guru Nanak Mission Center Mr. Balkaran Singh Gill. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,24,37,230 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 28,74,232 ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,24,37,230 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 28,74,232 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,69,282 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,14,96,976 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,33,153 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,30,23,189 ہو گئی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک
भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां इस वायरस से 1,65,577 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 1,26,86,049 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,717 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 45,89,540 हो चुकी है। बरतानिया में कोरोना वायरस के 22 अमवात की तादाद 1,26,862 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 43,62,150 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 32,456 तक जा पहुंची, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 35,29,601 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 42वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,704 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,93,377 तक जा पहुंची है। सऊदी वजारत हज और उमरा ने उमरा जायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया। मक्का मुकर्रमा से अरब मीडिया ने बताया कि शराइत और जवाबित का इतलाक यकुम रमजान से होगा। वजारत हज और उमरा के मुताबिक हरम शरीफ और मस्जिद नबी में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले ही जा सके। मारूफ अदाकारा सबा कमर ने अपनी म्यूजिक वीडियो एक अधूरी लव स्टोरी चिंगारियां रिलीज कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ अदाकारा सबा कमर ने अपनी म्यूजिक वीडियो एक अधूरी लव स्टोरी चिंगारियां रिलीज कर दी। चिंगारियां उनके यूट्यूब चैनल की किस्त नंबर 6 है, जिसमें वो खुद पहले हंसी मुस्कुराती और फिर रोती भी दिखाई देती हैं। इस किस्त के हवाले से अदाकारा का कहना है कि ये किस्त उनके एहसासात की अक्कासी कर रही है और उनके लिए बहुत खास और दिल के करीब है। उन्होंने कहा कि अपनी सालगिरह और अपने यूट्यूब चैनल की पहली सालगिरह पर मैंने ये किस्त रिलीज की, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तैयार करने में मैंने दिलो जान से मेहनत की है, क्योंकि इस किस्त की सूरत में मेरा एक ख्वाब पूरा हो रहा है। अदाकारा ने कहा कि ये वीडियो आपको भी ऐसा ही एहसास दिलाएगी कि जिंदगी बढ़ती रहती है। ये वीडियो ऐसी कहानी पर मबनी है जो आप सबकी कहानी है। आखिर में उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया, खसूसी तौर पर अमाद इरफानी और मुस्तफ़ा जाहिद की शुक्र गुजार दिखाई दी। निजी मसरूफियात, एक्सरसाइज, फोटोशूट्स और दीगर तस्वीर समेत मद्दाहों के साथ इंस्टाग्राम पर रबते में रहने वाली कतरीना कैफ के फॉलोअर्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 48 मिलियन के करीब पहुँच गई। निजी काम, मसरूफियात, एक्सरसाइज, फोटोशूट्स और दीगर तस्वीर समेत मद्दाहों के साथ इंस्टाग्राम पर रबते में रहने वाली कतरीना कैफ के फॉलोअर्स की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। कतरीना कैफ के इस वक्त इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 47.9 मिलियन से ज्यादा है। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 54.6 मिलियन, जबकि आलिया भट्ट के फॉलोअर्स की तादाद 52 मिलियन से जायद है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।